सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। हरियाणा एचसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स और पंजाब का एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला जो एग्ज़ाम है उसकी डेट्स जो है वो क्लैश की हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि हरियाणा एचसीएस का एग्ज़ाम था और एमपी वाले एग्ज़ाम की डेट्स क्लैश हो रही थी। तो चलो, एमपी वाला तो बहुत बच्चों ने नहीं भी भरा होएगा, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एचसीएस भी फॉर्म फिल किया हुआ है और ईटीआई का फॉर्म भी फिल किया हुआ था। तो अब कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए? पहली बात तो यही है यार कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस फीलिंग के साथ में जी रहे हैं कि हो सकता है एक पेपर आगे हो जाए, एक पेपर पीछे हो जाए, तो वो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके होने के चांसेस कम है। इसका रीज़न क्या है कि अब ऐसे तो यार पूरे इंडिया में कोई ना कोई एग्ज़ाम तो रहेगा ही, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लैश करेगा ही करेगा। अपने को ही कॉल लेनी है कि कौन सा एग्ज़ाम दो, कौन सा ना दो। हो क्या जाता है ना, अगर से मान लो जैसे एक बार हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसका यूपीएससी का इंटरव्यू था और उसका पंजाब पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम था। तो उसने यूपीएससी में एप्लीकेशन डाली तो उसका इंटरव्यू सबसे लास्ट में रख दिया गया था। तो वो चीज़ जो एक स्टूडेंट का इंटरव्यू आगे पीछे करना है, वो चीज़ एक अलग होती है। पूरा का पूरा एग्ज़ाम ऑल टुगेदर डिफरेंटली कंडक्ट करना, वो भी जब दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। नॉनदलेस, इफ वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू पीपल, लेट अस नो, वी विल डू दैट। अब यार बात आती है कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दूँ। अज्यूमिंग कि दोनों पेपर 21 मई को ही हो रहे हैं, मैं कौन से एग्ज़ाम में फिल करूँ? और कौन से फिल करूँ तो किया ही हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में जाके अपीयर करूँ। यार अब इसमें ना थोड़ा सा आपका पर्सनल आंसर होगा, वो पर्सनल आंसर कौन सा गाइडिंग फैक्टर होना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम हरियाणा एचसीएस के पेपर की बात करते हैं। यार ऐसा नहीं है कि आप 21 मई को गए, आपने जीएस का पेपर दिया, आपने सीसैट का पेपर दिया, आपका क्लियर हो गया और आप एसडीएम लग गए, ऐसा तो नहीं होएगा। बकायदा इसके बाद 2-2.5 महीने में आपका एक मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में आपको हिंदी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ऑप्शनल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएस तो है ही है, जीएस तो वैसे अपने को करना ही है सारा, पर ऑप्शनल का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप क्लियर करोगे, फिर आएगी आपकी इंटरव्यू की स्टेज, फिर आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, फिर आप एसडीएम, डीएसपी, अब तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी घुसा दिया हरियाणा एचसीएस के थ्रू इसी में, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आपकी बहुत अच्छी पोस्ट भी लगती है। जितने ज़्यादा आपके एफर्ट्स हैं फिर आपको रिवॉर्ड्स भी उतने ज़्यादा ही हैं। ऑन दी अदर हैंड, ईटीआई में आपको पता है कि हमें रीजनिंग और अपना क्वांट, जीके, पंजाब जीके, ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो तैयार करके जानी है और फिर एक दिन का पेपर है और वैसे ही हमारे रिवॉर्ड्स हैं। अब मेरे को कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए? अगर मान लो मेरा ऑप्शनल तैयार है या मुझे लगता है कि यार मैं ऑप्शनल मतलब मैंने किया हुआ है भाई एक बार और मेरे को बस प्रीलिम्स के बाद टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और मैं हरियाणा एचसीएस का ऑप्शनल धड़ल्ले से लिख सकता हूँ, या मैंने पिछली बार भी हरियाणा एचसीएस में या मैंने यूपीएससी में ऑप्शनल एक दो बार लिखा हुआ है, तो उसके बाद में दूसरी चीज़ हिंदी। यार हिंदी ऐसा नहीं है कि मेरे को अभी आप बोल दोगे कि यार हिंदी में दृष्टिकोण लिख के दिखाओ तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा कि यार कैसे लिखते थे, ऐसे बने मेरे बुरे हाल नहीं है। प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले मैं अपनी हिंदी इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप हिंदी और ऑप्शनल कवर कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको हरियाणा एचसीएस का एग्ज़ाम देना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, जीएस है ना बच्चे जो, वो तकरीबन सब बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा मार्क्स में, क्योंकि एक पेपर है जीएस का। पंजाब पीसीएस में पेपर ज़्यादा होते हैं जीएस के, यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं जीएस के, हरियाणा में एक सिंगल पेपर है। अगर किसी बच्चे ने हद से ज़्यादा जीएस पढ़ भी ली तो भी वो क्या कर लेगा, वही गिने चुने से क्वेश्चंस हैं एक पेपर में, वही गिने चुने से आंसर्स हैं, वही स्टैट्स है, वही आईआर है, वही सोशल इशूज़ हैं। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा हरियाणा एचसीएस में वो होगा ऑप्शनल, वो होगा हिंदी, वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि आप ये हरियाणा एचसीएस के लिए अच्छे से तैयार कर लोगे, आपके पास टाइम है अभी तकरीबन 40 दिन जो अभी वाले हैं, इनमें तो आप इन चीज़ों को हाथ भी ना लगाओ, अब तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, उसके बाद आपको लगता है कि यार 1.5 महीने में 2 महीने में आप ये सारी तैयारी कर लोगे, फिर तो आप बैठो बच्चे हरियाणा एचसीएस के पेपर में। उसका रीज़न क्या है कि यार वो ना रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। बट अगर अब हर पर्सन को ना पता होता है अपना, हम जितना भी खुद को मतलब अपने दोस्तों को पागल बना लें, घर वालों को पागल बना लें, किसी को भी पागल बना लें, डीप डाउन इनसाइड हमें पता होता है कि यार मेरी प्रिपरेशन का लेवल कितना है, मेरे हार्डवर्क का लेवल कितना है, आज कितना है। ऐसा नहीं है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तैयारी आज से 2 महीने पहले शुरू की थी और मैंने सोचा कि यार मैं काम करूँगा, मैं ऑप्शनल को टच ही प्रीलिम्स के बाद करूँगा, तो अब मेरे को हरियाणा एचसीएस का पेपर भी देना है, ईटीआई का पेपर भी देना है, तो मैं रिस्की प्लेन पे हूँ अगर मैं हरियाणा एचसीएस की तैयारी कर रहा हूँ और ईटीआई का पेपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ईटीआई में तो सिर्फ एक जीएस आनी है और ऑप्शनल होता नहीं है, पूरा का पूरा ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद में 1 बार में 1.5 महीने में होता नहीं है। तो मतलब
मेरा कहने का पॉइंट ये है कि यार वो पेपर जिसके आपको लगता है कि आपके पेपर निकालने के चांसेस ज़्यादा हैं कि यार हाँ मैं अगले 40 दिन में रीजनिंग क्वांट और बेसिक जीके अच्छी कर सकता हूँ, तो फिर आप जाके ईटीआई का पेपर दो। अगर आपको लगता है कि यार एचसीएस का प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा और उसके बाद भी मैं अपना ऑप्शन और लैंग्वेज भी सुधार लूँगा 1.5 महीने में, विशफुल हो कि नहीं, मन तो करेगा ही, मेरा भी मन करेगा, मुझे कोई बोलेगा यार ईटीआई लगना है कि एसडीएम लगना है, किसी का भी मन करेगा, मेरा मन करेगा पटवारी लगना है कि पीसीएस लगना है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीसीएस या पटवारी, ईटीआई या एचसीएस नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगना वो पेपर जहाँ पे आपको लगता है कि आप ये पेपर क्लियर करने के आपके चांसेस, आप लग जाओगे, अगले 40 दिन की तैयारी आपकी रंग ले आएगी, तो आप वही पेपर में जाके वो पेपर दे के आओ। ऐसे ये फीलिंग नहीं लेनी कि यार क्या एचसीएस का पेपर तो हाई लेवल का, तो ऑब्वियसली एचसीएस ही देना है, ईटीआई का तो थोड़ा कम उससे उसके कंपेरेटिवली थोड़ा हल्का पेपर है तो ये रहने देता हूँ, ये नहीं करना है। पेपर वो दिया करो जो आपका क्लियर हो, ऐसे ही नहीं कि बस जाके अपना बिना बात के जाके बैठ गए। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। तो एचसीएस दूँ कि ईटीआई दूँ, ये इस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शनल का लेवल कितना है, या आप 1.5 महीने में बाद में ऑप्शनल कवर कर लोगे 1.5 से 2 महीने में टेस्ट पेपर लिख लिख के। दूसरा, आपका हिंदी और इंग्लिश का लेवल कैसा है। ऑन द अदर हैंड ईटीआई जो है वो तो आप तैयारी कर ही रहे होगे, बेसिक रीजनिंग, बेसिक क्वांट, बेसिक जीके, जो भी उसका बेसिक सा सिलेबस है, पिछली बार तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी था, लेबर लॉज भी थे, बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस का चंक जो है वो बाहर भी हो गया, तो जो रिमेनिंग सिलेबस है अगर आप वो अच्छे से कर सकते हो तो आप वो करो। दूसरी चीज़, पटवारी का पेपर, ये तो अब मैं सीबीएल के स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूँ, जो पहले वाली बात है वो तो सबके ही काम आ जाएगी। तो पटवारी का पेपर भी जो आपका है वो 14 तारीख को जो है उसको एडवांस किया गया है, तो जो हम आपको कोर्स करवा रहे हैं वो 14 से थोड़ा सा आगे ख़त्म हो रहा था, तो अब हम आपको जो लेक्चर्स देंगे वो इस हिसाब से देंगे कि आपका वेल ऑन टाइम 14 से बाकायदा उससे 10 दिन पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए और आपको टेस्ट भी अच्छे से मिल जाए, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, हम ही आपका शेड्यूल सारा जो है इस हिसाब से रीडिज़ाइन कर देंगे। कोई भी तरीके की आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, थोड़े से अगर आप मतलब कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी लिख देना, हम दोबारा वीडियो बना देंगे, उसको हेल्प कर देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक पेपर जो भी आपको बेटर लग रहा है उसकी आप तसल्ली से तैयारी करके पेपर दे के आओ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।